The Ninja Neon Calling. नकाब पोश नियंडर का नाम मशहूर लोगों के चार्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने कमाल कर दिया, नियंडर को मिली है। इसका नाम फिर से ऊपर आ गया। पता नहीं कैसे ये कर लेता है ये सब मशहूर होने के लिए। मुझे भी कसरत करके अपना बदन मजबूत बनाना पड़ेगा। हमेशा की तरह आज भी हमारा नियॉन मशहूर होने के लिए पूरी जी जान से कोशिश करने में जुटा हुआ है। मर गए। ओ सर, क्या धुआंदार प्रैक्टिस थी। क्या हुआ कौन? लगता है तुम फिर किसी बात से परेशान हो। नियॉन सर की फिक्र हो रही है। अरे नहीं, फिर वही बात सोचने लगी। उसकी फिक्र मत करो। कुछ तो करना पड़ेगा। सारा की जी, मैडम आप लोगों की बातें मैं सुन चुका हूँ। इस मामले में तो निंजा हैरी की मदद लेनी पड़ेगी जो जंगलों में रहता है। ये तुमने अच्छा याद दिलाया। कौन? हाँ। चली गई। वो कितनी स्मार्ट और चंचल है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ। कौन है वो? वो है। ये मेरी बात कर रही है। और ये क्या आवाज तो सुनाई दे रही है, पर यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। ये है निंजा का स्टाइल। निंजा हरी है मेरा नाम, देख लिया ना मेरा काम। ओ निंजा हरी, तुम तो कमाल के हो, तुम्हारा जवाब नहीं। देखना अब तुम्हारी इस निंजा ड्रेस का फैशन चल जाएगा। ये ड्रेस पहनकर तुम हीरो लगोगे, सब तुम्हारे पीछे भागेंगे। क्या तुम सच कह रही हो? करना है अगर सपना सच तो करिए थोड़ी प्रैक्टिस। और क्या, मैं तुम्हें निंजा स्टाइल के सारे गुर सिखा दूंगा। चलो। हम लोग ऐसे ही आते हैं अचानक। बहुत अच्छे। अरे स्टार निशाने पर, तुम तो एक महान निंजा बनकर किसी भी दुश्मन को हरा सकते हो। हाँ, अब मैं इस ड्राइंग में रंग भर देता हूँ। अभी दिखाता हूँ मैंने क्या बनाया। लो ये देखो, ये है आसमान में उड़ने वाला नियांडर। मेरी ड्राइंग देखो, इसमें फूलों पर तितलियाँ बैठी हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी लग रही है। मेरी ड्राइंग देखो। अरे ये क्या है? ये हैं जुगनू जो अंधेरे में चमक रहे हैं। यही तो कमाल है जो मेरी ड्राइंग में साफ साफ दिख रहा है। वो तो है। नियागो, तुम्हारी ड्राइंग अभी तक पूरी नहीं हुई। हो जाएगी, बस अभी खत्म करता हूँ। क्या बनाया है? मेंढक की आंखें। मैं आ जाऊं। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहे, पता नहीं सब कहाँ जाकर छिप गए हैं। अब मैं कहाँ ढूंढूं? अच्छी मुसीबत है, नियागो तो हमें ढूंढ नहीं पा रहा है। तभी अचानक आसमान में अंधेरा छा गया, काले काले बादल आ गए और बिजली कड़कने लगी। मुझे डर लग रहा है। हम लोग बरसात में कहीं फंस ना जाए, चलो कहीं चलकर छुप जाते हैं। रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। जरूर कोई है जो इस जंगल में गड़बड़ करना चाहता है। अगर उसे हरा दिया तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा। फिर मैं हीरो बन जाऊंगा और शहर में सब लोग मेरी तारीफ करेंगे। बिल्कुल सही समझे तुम। ठीक है, मैं उससे लड़ूंगा। आपकी इसी बहादुरी की तो मैं दीवानी हूँ। चलो जल्दी अंदर चलो। पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। मर गए। हाँ।
नहीं है किसी को नहाते हुए नहीं देखना चाहिए। तुम नहा रही हो? मेरी पोती ने मुझसे कहा कि वो नहाना चाहती है, उसी के लिए तो मैं ये बरसात लेकर आया था। जब कोई नहा रहा हो तो उसे देखना बहुत गलत बात है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अरे नहीं, लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाना होगा। मैं हूँ महान नियॉन। वो देखो, उसी ने जंगल में गड़बड़ की है उस मेंढक ने। सर, सुपर हीरो बनने का ये मौका अच्छा है, आप उन बच्चों को बचा लीजिए। तुम सबको परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। और मैं पत्थर फेंकता हूँ, ये लो। और देखो, यहाँ देखो, अपनी शक्ल देखकर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाएगी और दूसरों को डराने के बजाय खुद ही डरते फिरोगे। अपनी जबान को लगाम दो। अब लगता है मैं आराम से नहा सकती हूँ। दादाजी जल्दी से शावर चला दीजिए ना। अभी चलाता हूँ। सुनो गंदे मेंढक, मेरे दोस्तों को बाहर निकालो। अब कौन आ गया परेशान करने? नियंदर, वो सब लोग तुम्हारे दोस्त थे। देखो, मुझे नहाते समय परेशान मत करो वरना दादाजी गुस्सा हो जाएंगे। अगर वो गुस्सा हो गए तो फिर तुम्हारी बुरी हालत कर देंगे। मैं क्या करूँ अब? क्यों, आपको क्या हो गया दादाजी? कुछ बोलिए दादाजी। मेरी मदद करो। जो भी मुसीबत में होता है मैं उसकी मदद करता हूँ। मैं देखता हूँ कौन है। निंजा हरी, तुम यहाँ फंसे हो इसीलिए मेंढक को दर्द हो रहा है। अब इन सबको यहाँ से बाहर कैसे निकालूं मैं? ओह पीतोरी, ओह ओह समझ गया, ये छेद तो उसकी नाक से जुड़ा है। चलो गुदगुदी करो, चलो गुदगुदी करो, गुदगुदी करते ही इसको छींक आएगी। दादाजी बताइए, आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पता है नियंदर ने आपको बचाया है? पता है। दादाजी और दादाजी की पोती, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब अगर नहाने का मन करे तो नदी में या झरने में नहा लेना, वरना सबको परेशानी हो सकती है। गलती हो गई, मैंने बस अपने बारे में सोचा। पर अब से हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा है। शुक्रिया नियंदर। नियंदर, थैंक यू। समझ में नहीं आ रहा ये नियागो कहाँ चला गया, पता नहीं वो कैसा है। मुझे तो लगता है वो डर कर घर चला गया होगा। नहीं नियागो तो अब है, तुम जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। बड़ा मुश्किल है नियंदर बनना। ये क्या हुआ है, ये पाजी नियंदर ने हमें फिर बचा लिया, ये बहुत बुरा हुआ है। बच्चों को बचाने की जो कोशिश की सर, वो बहुत बढ़िया थी, आप जरूर मशहूर हो जाएंगे। कुछ भी कहो, नियंदर ने जो कर्तव्य दिखाए हैं उनका तो जवाब ही नहीं है। अब मैं बताता हूँ मशहूर लोगों में कौन है दूसरे नंबर पर। निया, निया, नियॉन। वाह सर, वाह, आप हीरो नंबर टू बन गए। यानी कि मैं पहली पोजीशन से एक नंबर पीछे हूँ। हाँ।
माफ कीजिए नियॉन नहीं, सेकंड नंबर की पोजीशन पर है निंजा हैरी और हमेशा की तरह नंबर वन पर है नियंडा। बस बस अब और सहन नहीं होता। तो भाई हम फिर मिलेंगे अगली बार नई कहानियों के साथ। आपको यकीन नहीं आएगा कुछ ऐसी अनोखी बातें होंगी अगले एपिसोड में, तो देखना जरूर मास्क नियंडर।